आप बीमार हैं कुछ भी, मतलब शो मस्ट गो ऑन, तो उसके लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए, इनर स्ट्रेंथ, जो सर ने पटक पटक के मार मार के सिखाया है। देखिए मिशन ब्लू फाउंडेशन का काम मैं पिछले इनसे मेरे ख्याल 2018 से आई केम टू नो अबाउट देम एंड द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। इट्स एन एनजीओ और अभी तक मैं देखा है कि अलग अलग परिस्थितियों में अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको समय समय पर ये अपने तरह से अपने रिसोर्सेज से कहीं से भी फंड ला के, लोगों से इकट्ठे करके चंदा लेके उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ज़रूरत है कपड़े पहन के ढोल मांदर बजाने के लिए सिर्फ उतने तक के लिए हैं। अभी कोविड में कुछ नहीं हो रहा, वो सारे कार्यक्रम बंद हैं, फंड तो आया हुआ है तो फंड किसके लिए है? ये लोग जब बेचारे मर रहे हैं, अभी उनका कोई शो नहीं चल रहा तो उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, शो होता तो पर शो कुछ पैसे मिल जाते हैं, आज भी क्या चलती है, अब कोई शो नहीं हो रहा, सारे स्टेज शोज बंद हैं और उनके पास कोई आय का साधन नहीं है दूसरा, तो आपको उसी पैसे से इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसमें खैर कुछ हुआ नहीं, अलग है। तो इस तरह सेमिनार के माध्यम से दो ही चीज़ पे फोकस कर पाया, बीच वाले में नहीं कर पाया, कि झारखंड का सिनेमा, वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जिस पर बहुत बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलने के लिए ये प्लेटफॉर्म सही नहीं था इसलिए नहीं बोला। लेकिन जो यूथ थे, जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, मीडिया से हैं, जर्नलिज्म से हैं, मैं जो दूसरी बात नहीं बोल पाया समय की कमी के कारण, किस तरह का सिनेमा आप बनाए। सिनेमा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क है, वो सिर्फ नाच गाना मटकना तक सीमित नहीं है, सिनेमा सोशल चेंजेस का बहुत बड़ा मीडियम है। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर सकते हो बहुत इफेक्टिवली, क्योंकि इतना बड़ा वो पर्दा में हो कि कोई चीज़ दिखता है ना, तो गलत चीज़ दिखाएंगे तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है, अच्छा दिखाएंगे वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मीडियम। कोई भी जब देख रहा है, अब जैसे क्राइम पेट्रोल जैसा कोई सीरीज है, अब उसमें वो दिखा रहे, अब उसमें या तो आदमी मर्डर करना सीखे, या तो मर्डरर से बचना सीखे, या तो फिर मर्डरर को सबक सिखाना सीखे, तीनों चीज़ें उसमें लेते क्या हैं आप पे डिपेंड करता है। अब उसमें ये कि कुछ लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कहानी में, वो तो दिखाना पड़ेगा ना कि ड्रग लिया है, लेकिन उसका हुआ क्या अंजाम, एंड रिजल्ट क्या, फिल्म एंड कैसे होती है, कि वो जो कर रहे थे मौज मस्ती गन चला रहे थे, किसी को भी मार दे रहे थे, क्रिमिनल एलिमेंट थे, एंटी सोशल थे, गलत काम कर रहे थे, अंजाम उसका जो है वो पोएटिक होना चाहिए, वो एक मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि करेक्ट मैसेज जाए। हमें गलत करने वाले को जिताना नहीं है, जो हर फिल्म मेकर करता है उसका ध्यान रखना है। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टूडेज पर्स्पेक्टिव, दैट वी शुड नॉट मेक एनी थिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, ट्रेडिशन, कस्टम। हाँ, हम थोड़ा, हमारा ये काम है कि चेक पे रखना सोसाइटी को, और हम जो समाज में बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो सदियों से चली आ रही है, दहेज प्रथा, उसको हमें ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिमीनिंग देम। अभी जैसे मैंने एक फिल्म की ब्रीना क्या है कि एक लड़की से, जहाँ लड़कियों की कमी है, फीमेल फिटिसाइट्स को भी एड्रेस करता है वो, एक लड़की से चार पांच भाई शादी करते हैं, वो सब गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं से कर्जा लेके एक लड़की कहीं दिखी तो उससे चार पांच भाई लोग शादी किए, सबका अपना टर्न बंधा रहता है, टोपी उतारता है, जो भी करता मंडे ट्यूजडे ऐसे करके। अब वो प्रिवेलेंट नहीं भी है भी है, ऑफिशियली इट डजंट एग्जिस्ट, बट अनऑफिशियली इट एग्जिस्ट इन रिमोट एरिया ऑफ हिमाचल। हम जब उसका शो करने गए तो वहाँ पर गेटी शिमला में, तो उस कम्युनिटी के लोग भी आए थे, उन्होंने हूट शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हीं की पत्नियाँ वहाँ खड़ी हो गई, हमारे हमें भी नहीं पता था, अरे चिपकर कब तक छिपाया रखेगा। तो ये सब चीज़ें हमें उसको एड्रेस करना, ये जानना पड़ेगा कि वो कस्टम आया कहाँ से, क्या वजह थी कि उस समय के तत्कालीन समाज ने उसको अप्रूवल दी और वो एक कस्टम बना, तो उसकी वजह रही थी, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उस वजह को जानते हुए फिर आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा कि नहीं, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कस्टम अब इररेलीवेंट है, उसे जाना होता है आने वाली जनरेशन के लिए। अब उसमें कुछ चीज़ें अगर गलत लग रही हैं आज के टाइम से, तो उस पर कमेंट भी करना हमारा काम है, लेकिन कमेंट इस कॉस्ट पर नहीं करना है कि उनको लेट डाउन करें, उनकी बेइज्जती करें, उनको ऑफेंड भी नहीं करना है, रैशनली लॉजिकली उस बात को समझाना कि उसकी। जी हाँ, उसमें एक बात है, साउथ की फिल्में जो चल रही हैं
कहीं ना कहीं साउथ रूटेड है अपने कल्चर में, ट्रेडिशन में, ठीक है, अपने माइथोलॉजी की कहानी लेके चलते हैं, बाहुबली चल जाती है, जिससे नॉर्थ के लोग भी रिलेट करते हैं, पहले नहीं रिलेट कर पाते थे। वो एक ऐसी सार्वभौमिक सब्जेक्ट लेके चलते हैं जिसमें इंडियननेस है, हिंदुस्तानियत है, जो जिसमें हम जिस मिट्टी में पैदा हुए, पले बढ़े, जो हमारी भाषा संस्कृति संस्कार हैं उसको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रखते हैं, जिसकी वजह से लोग आइडेंटिफाई करते हैं और चला देते हैं, ना कि फॉरेन एलियन सब्जेक्ट को चलाने का जो वो होता है कि इनको नहीं चलने देना है, तो ट्रोल कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ये कहीं ना कहीं भावना रहती है मेरे ख्याल से। नेपोटिज्म का देखिए, नेपोटिज्म आप किसको कहेंगे, एक प्रोड्यूसर अपने पैसे से फिल्म बना रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रही, अपने पैसे से अपने नालायक बेटे को अगर वो हीरो बनाता है तो उसका लुकआउट है यार, उसका नुकसान होगा, नहीं चलेगा। अगर सरकार का पैसा, पब्लिक के पैसे से मैं फिल्म बनाऊँ और अपने बेटे को लॉन्च करूँ तो नेपोटिज्म होगा ना। एक कपड़े की दुकान का मालिक है, वो मर जाएगा तो किसको देगा दुकान, किसी बाहर वाले को बुला के देगा, बेटे को देगा ना, तो उसको कैसे नेपोटिज्म। अच्छा, राजनीति में जो सबसे बड़ा नेपोटिज्म है वहाँ कोई उंगली नहीं उठाता, हम बिकॉज सॉफ्ट कॉर्नर हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं, तो हम पे नेपोटिज्म का वो लग जाता है, कोई भी कुछ बोले तो। सबसे बड़ा नेपोटिज्म तो पॉलिटिक्स में, आप देखो फैमिली फैमिली कैसे चल रही है, या तो उसमें काबिल हो बंदा फिर आप उसको गद्दी दे रहे हो तो बात समझ में आए, वो काबिल भी नहीं है, उससे ज़्यादा काबिल लोग हैं साइड में, वहाँ दिए, वहाँ पर आप नहीं बोले, चूंकि आप बोलोगे तो गुंडे छोड़ देंगे, वो तोड़ फोड़ करवा देंगे आपके घर में, आपके बिजनेस, आपकी कार पे। Am I right? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।